गया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, बजा करता कीजिए बजे। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जोर जोर बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बजाओ कर दो बजाओ, ले लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, आ गोविंद राधे बोल गोपाल राधे, आ गोविंद राधे बोल गोपाल राधे, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। गौर ब्रह्मानंद हरि ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानंग पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरि कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग प्रणाम कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत गल्य श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण भक्तों को आनंद देने के लिए बड़े सुंदर से ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। क्या क्या लीला कर रहे हैं? मतलब एक दिन ऐसे हुआ, कृष्ण जब छोटे बच्चे थे खेलते 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 इतने में श्री आनंद देव ने देखा मेरे प्रभु अभी नवद्वीप में श्री निमाई बन करके आए। मैं तो हर समय उनको धारण करता हूँ, अभी जा करके थोड़ी सी प्रभु को सेवा कराता हूँ। इतने में श्री अनंत देव स्वयं एक बड़ी सर्प है नाग सांप रूप में अनंत देव आ गए। जब महाप्रभु जा करके जब उनको पकड़ लिया, पकड़ते हुए उसने में उन्होंने कुंडली बना दिया, बड़ी सुंदर गोलाकार रूप में बन गए। और महाप्रभु जाकर के उसके ऊपर बैठ गए। जब बैठ गए वहां पर जितने सब नारियां थी देख करके सबके सब डर गए। लगता है ये सांप ने आज बच्चे को डांस डाल काट देगा। सबके सब हाय 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 करने लगे, क्या होगा क्या होगा। अभी अनंत देव ने भगवान का थोड़ी सेवा करके जब देखा ये लोग डर रहे हैं, फिर अनंत देव वहीं से फिर गायब हो गए। जब गायब हो गए इतने में सब भक्त लोग क्या कह रहे हैं ये चीज को देख करके, कह रहे हैं केह बोले बालक पुण्य जन्म होइल, केह बोले जाति सर्प तैना लंघिल। भक्त लोग कह रहे थे लगता है आज निमाई का दो बार जन्म हो गया, क्यों इसको सांप का डालता, इसको आज दो बार जन्म हुआ। किसने किसने कहा इसलिए तो सांप ने नहीं काटा, एक होता है जाति का एक सर्प होता है, अपना अपना वंश का एक एक सर्प है, जो कि वो वंश का कभी वो सर्प अमंगल नहीं करता, हर समय उनको मंगल करता है। कहते वो जाति सर्प था ना, इसलिए निमाई को उसने काटा ही नहीं है। इसलिए फिर निमाई को सबके सब मैया गोद में लेकर चली गई। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये कथा को जो सुनेगा उसको फल क्या है, कहते उसका फल ये है, कहते जो संसार में हम सबके सब माया रूपी जो सर्प है ये हम सबके सब डांस डांस रखा है। सब संसार रूपी जो माया के सर्प हमें हर समय डांसता रहता है, लेकिन अगर ये महाप्रभु का कथा कोई सुनेगा ना, कहते ये जो संसार रूपी जो सर्प है उसको कभी दंशन नहीं करेगा, ये माया से वो जीव बच्चा हुआ रहेगा। अभी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु देखने में बड़े सुंदर थे हैं, क्योंकि कृष्णा तो सुंदर है ही है और राधा रानी की सुंदरता तो कृष्ण को भी मात करने वाले श्री राधा रानी की सुंदरता है। जब फिर दोनों मिल जाए फिर कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए अपूर्व सुंदर श्री महाप्रभु, जब महाप्रभु कुछ कुछ माताएं जब घर में बैठ करके कीर्तन करती थी, महाप्रभु क्या करते थे, महाप्रभु वहां पर चले जाते थे हैं, महाप्रभु वहां पर चले जाते थे और घर घर में जैसे कृष्ण बचपन में हर ब्रज गोपियों के घर में जाते थे, ऐसे ही महाप्रभु हर नवद्वीप वासियों के घर में जाते हैं। जब जाते हैं महाप्रभु को देख करके कोई लड्डू देते हैं, कोई वहां के संदेह मतलब मिठाई देते हैं, बड़े सुंदर सुंदर चीज देते हैं, लेकिन महाप्रभु उसको नहीं खाते हैं। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, कहते महाप्रभु जो जो माताएं कीर्तन करती हैं तो कीर्तन करने वाले माताओं को लेकर के महाप्रभु
वो संदेश मिठाई उन माताओं को देते हैं। बोले जे सकल स्त्री गणे गाए न हरि नाम तासब हरे आने सब करे न प्रदान। कद जो माताएं स्त्रियां भगवान का कीर्तन करती हैं बैठ करके, महाप्रभु वो मिठाई उनको ला करके देते हैं। बोले उनको क्यों देते हैं, कारण क्या? बोले कारण है कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, अनन्न स्थितं तमाम जे जनहा पर्युपासते तेसां नित्याभिजुक्तानां योगाक्षयं वहाभ्यं। कदी भगवान का प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा, जो अनन्य रूप में मेरे भजन करते हैं। अनन्य मतलब क्या होता है, बोले न अन्य मेरे को छोड़ करके और जिस जो और किसको उपासना नहीं करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो पांच मिसाली भक्ति करते हैं, बोले पांच मिसाली भक्त क्या है, आज शंकर जी की पूजा किया, कल मैया जी की पूजा किया, उस दिन गणेश जी की पूजा किया, उस दिन फिर हनुमान को पूजा किया, फिर कृष्ण को थोड़ी पूजा कर दिया। जो जो पांच मिसाली धर्म जाचन करते हैं, जिनकी कोई एक निष्ठा नहीं साधन भजन में, प्रभुपाद कहते हैं वो भक्ति को द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, अनन्य न अन्य एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान, इसलिए कपिल देव अपना माँ देवती को कहते हैं, बोले मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति जदिना। बोले माँ जो व्यक्ति मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति, जो लोग मेरे एकांत अनन्य रूप में जो भक्ति करते हैं, उसी भक्ति को द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूँ। और जो बहुनिष्ठ जो भक्ति है कहते वो भक्ति से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। लेकिन हम लोग कैसे भक्ति करते हैं, सोमवार आएगा श्री शंकर जी को मंदिर में जाएंगे, शंकर जी को आराधना करेंगे, बोले शंकर जी तन मन धन तुम्हारे चरण, तुम ही हमारे लाज बचाना, तुम ही। लेकिन जब फिर आएगा मंगलवार ना, कौन सा मंदिर में जाएंगे, सी हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। जो बात शंकर जी को बोल रहे थे वही बात फिर हम श्री हनुमान जी को बोलेंगे। शंकर जी देखेंगे तो बड़े झूठे आदमी, ये तो कल मेरे पास में आ करके बोल रहा था, शंकर जी तन मन धन तेरे चरण में तू ही लाज बचा, ये तो आज मेरे तरफ में देखा भी नहीं, ये तो जो मेरे को कल बोल रहा था वो आज जा करके हनुमान जी को वही बोलता है, ये तो बड़े धोखेबाजी है। फिर जब बुधवार आएगा फिर गणेश जी के पास में जाएंगे, फिर हनुमान जी सोचेंगे ये क्या है, कल तो मेरे को तन मन धन सभी आपको चरण में, आज तो मेरे तरफ में देखा नहीं था, किसी तक गणेश जी को ही बात कर, ये तो बड़े धोखेबाजी है। इसलिए हम किसको धोखा नहीं देते हैं। जैसे एक स्त्री अगर बोलती है पति को अपना बोलती, बोलते देखो पति सोमवार को तो आपको मैं प्रेम करूंगी, लेकिन मंगलवार को फिर मैं और किसको प्रेम करूंगी, और बुधवार को फिर और किसको प्रेम करूंगी। अगर ऐसे बोले ये प्रेम को थोड़ी प्रेम कहते हैं, ये प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं। इसलिए यहाँ भगवान कहते जो प्रेम जो भक्ति है, कहते मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बन्ति जदिना है, कहते जो मेरे को अनन्य रूप में भक्ति करते हैं, ये भक्ति को द्वारा मैं वशीभूत होता हूँ। जो बहुनिष्ठ भक्ति करते हैं उसको द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु मिठाई ला ला कर क्यों देते हैं, बोले कारण कहते हैं यही है, जो मेरे कीर्तन करेगा, मेरे नाम जप करेगा, मेरा भजन करेगा। इसलिए मनमना भव मत भक्त माम जाजी माम नमस्कुरु, जो मेरे को ही नमस्कार करेगा, मेरा ही पूजा करेगा, मेरे को ही है मन मेरे को देगा, मेरा ही भक्त बनेगा, क्या होगा, बोले माम ऐसा सी फिर मेरे को प्राप्त कर सकता। यहाँ पर शिक्षा देते हैं महाप्रभु, देखो जो लोग मेरे कीर्तन भजन पूजा का आठ करते हैं ना, मैं उनको बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाता हूँ, उनको मैं बढ़िया। इसलिए अभी भी हम जब कहीं कीर्तन करने जाते हैं ना, घर घर में इतने मिठाई खिलाते हैं, हैं हम खा नहीं पाते, फल मिठाई चकाचक है, इतने मिठाई खिलाते, कहीं भी जाओ, उड़ीसा में जाओ, बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ,
दिल्ली में जाओ, जिस घर में जाओ क्या खिलाते हैं? संदेश, मिठाई खिलाते हैं। क्यों? महाप्रभु शिक्षा दिया, देखो जो व्यक्ति मेरा नाम कीर्तन करेगा ना, मैं इसको खूब खिलाऊंगा, मैं इसको खूब खिलाएंगे। मठ में रोज रोज परमान्न, मठ में रोज रोज खीरी हो रहा है मठ में। किसी गृहस्थी के घर में जाओ कभी, हाँ किसी त्योहार में कहीं उत्सव में एक दिन कहीं खीरा होगा, मठ में रोज रोज खीरी, मठ में रोज रोज खीरी है। यहाँ पर शिक्षा देते भैया मेरे जो भजन करेगा ना उसको रोज रोज मिठाई में खिलाऊंगा, हैं रोज रोज को मैं मिठाई खिलाऊंगा, हैं। ये महाप्रभु ये चीज को महाप्रभु शिक्षा देते हैं, इसलिए महाप्रभु स्वयं नहीं खाते, वो मिठाई को लेकर भक्त लोगों को खिलाते रहते हैं। इसलिए महाप्रभु जब धीरे 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 महाप्रभु बड़े हुए, एक दिन महाप्रभु खेल रहे थे बाहर जाकर खेल रहे था खेले, इतने में दो चोर आ गए। दो चोर आकर के बोले देखा इतने सुंदर बालों का अकेला घूम रहा है और सारा शरीर में हीरे जवाहरात है, सोने चांदी की शरीर में पूरा अलंकार है। इतने में दो चोर ने देखा ये बच्चे को उठा कर ले चलते हैं, चले बच्चे को उठा कर ले जाएंगे और साले अलंकार गहना उतार के ना फिर छोड़ देंगे। इतने में महाप्रभु का अपना कंधे पर बैठा लिया, कंधे पर बैठा करके वो आपस में चर्चा कर रहे, बोले देखो उसका हाथ में जो बाला है ना मैं उसको लूंगा, दूसरा कहते तू उसको ले ले, लेकिन उसको गले में जो हार है मैं उसको ले लूंगा, हैं। और कोई कहता है देखो उसको कमर में करदा नहीं है ना इसको मैं लूंगा, और क्या कहता देख तू उसको ले ले, लेकिन उसका पैर में जो नुपुर मैं लूंगा। ऐसे करके कंधे पर बैठा करके ये सोच रहे हैं हम तो इसको किसी गोपनीय स्थान पर ले जा रहे हैं, बस वहीं पर सारे उतार करके बच्चे को छोड़ देंगे। और इधर हई होल्ला लग के पड़ गया, बोले बच्चा कहाँ गया, निमाई कहाँ गया, निमाई कहाँ गया, ढूंढो उसको ढूंढो। इधर उधर ढूंढने लगे, जितना छोटा बच्चा कहाँ गया ढूंढ रहे। अभी दो चोर जो है मन मन कला मन मन में कला खा रहे थे, किला खा रहे थे ये बच्चे को, तो ऐसे करते करते घूमते 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 सोच रहे थे हम तो अपना गुप्त स्थान में जा रहे हैं, लेकिन घूमते घूमते वहीं पर आ गए। वहीं पर आ गए, देखा वहां पर तो हयोला बच्चा हुआ, भैया बच्चा कहाँ गया, बच्चा गया। लोगों ने देखा भैया हम तो जा रहे थे अपना गुप्त स्थान में, घूम करके यहीं पर कैसे आ गए। फिर जल्दी से जल्दी बच्चे को उतर और भाग गए वहां से। जब भाग गए इतने में जब बच्चा को देखा सामने, बोले भैया बच्चे को कहाँ से लाया, किसने लाया, उसको बुलाओ, उसको सर पर पगड़ी बांधो, उसको उपहार दो, ये बच्चे को कौन कहाँ से लेकर के आया है। तब यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, नारायण जार स्कंधे करिला उत्थान। क्या है, कहते परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, भगवान के कंधे पर थोड़ी बैठते हैं, है साधारण रूप में थोड़ी बैठते रहे। इसलिए जिनकी चरणों को बड़े बड़े ऋषि मुनि पायु रथा भी मनस मन पुंगवाना है, जो लोग बड़े ध्यान धारणा समाधि अवस्था में बैठ करके भगवान के चरण तक को भी हृदय में धारण नहीं कर पाते, आज वो पूर्ण पुरुष भगवान को पाते। इसलिए कति साधारण रूप में ये जन्म नहीं, ऐ शिशु जन्म ले मात्र सर्व देश देशे गुचल वृष्टि पाइल कृष्ण के। कति बच्चा जन्म होते ही जगत का सारे दुर्भिक्ष समाप्त हो गया, अपने आप बारिश ही सारे पेड़ पौधा में सारे हरे भरे हो गए, हैं हरे भरे हो गए। अभी एक दिन महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, एक दिन एकादशी का दिन आया, एकादशी का दिन आया तो इतने में महाप्रभु तो रोने लग गए। जब रोने लग गए सबके सब, कब इनका रोना बंद होता था, जब सबके सब ताली बजा करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करना शुरू किया, लेकिन दूसरा दिन क्या होता था, महाप्रभु का कीर्तन करने पर रोना अपने आप बंद हो जाता था। लेकिन आज जब कीर्तन कर रहे थे लेकिन रोना बंद ही नहीं हो रहा है, महाप्रभु तो और जोर जोर से रोते जा रहे हैं। पूछे निमाया जी क्या हो गया, आज तुम्हारे रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है। महाप्रभु बोले तो व्यक्ति है एक हिरण्य और एक गोवर्धन है, काम के अमुक स्थान पर ये दो भक्त हैं। आज एकादशी, एकादशी का दिन, आज ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर भोजन बना रहे हैं, मालपुआ पकवान है, रसमलाई, शाही पनीर, मटर पनीर है, कढ़ी, चावल, सुक्ता, भाजी है, डालमा, महुर, बेसर, तरह तरह का आज उसको घर में बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बन रहा है, और उसको ला करके मेरे को भोजन कराओ, खिलाओ। बोले भैया ये छोटे बच्चे को कैसे पता है उसको घर में आज क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, इसको कैसे पता उसको घर में बन रहा है, और किसके घर में कोई ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं वो कह रहे हैं लाओ और मेरे को खिलाओ, इस कैसे हो सकता है। लेकिन वहां पर रोना ही नहीं बंद हो रहा है। बोले छोटे बच्चे को पता कैसे, इतने में गए सचमुच से जाकर देखा ना उसको घर में, वहीं पर हिरण्य गोवर्धन दो भक्त आज बड़ी सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान मिठाई रसमलाई बड़ा सुंदर खाना बनाए। जाकर बोले आज हमारे घर में हमारी निमाई बहुत रो रहा है, उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, वो कह रहा है आज क्या आपके घर में बड़े सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान मिठाई पकौड़ा बन रहा है। वो बोल रहा है क्या सचमुच से वही बन रहा है, वो कह रहा है उसको ला करके खिलाओ। लेकिन भगवान सबका थोड़ी सब भगवान सबका चीज थोड़ी ग्रहण करते हैं, भक्त का द्रव्य प्रभु गाड़ी गाड़ी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु बोलोरी नाचाए, भगवान तो केवल भक्त का ही वस्तु ग्रहण करते हैं, अभक्त का वस्तु तो पलट करके भी नहीं देखते हैं। इसलिए दुर्योधन की मेवा त्यागे साग भी दुर घरे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भैया इतना छोटा बच्चा कैसे पता चल गया, आज हमारे घर में इतने बढ़िया बढ़िया बन रहा है, जरूर ये बच्चा कोई साधारण नहीं, और वो भी दोनों भक्त हैं, दोनों भक्त हैं। इसलिए उन्होंने सचमुच महाप्रभु के लिए उन्होंने बड़े खुश होकर के, दुख नहीं हुए, बड़े खुश होकर के महाप्रभु को उन्होंने सब चीज महाप्रभु को ला कर खिलाया, और महाप्रभु खा करके ना खुश हो गए, वहां से भक्तों के ऊपर आशीर्वाद दिया। यहाँ पर प्रभुपाद ये कह रहे हैं, तो देखो जो एकादशी है ना ये हम लोगों के लिए एकादशी है, नियम है एकादशी का दिन अच्छा अच्छा चीज ठाकुर के लिए बनाओ, ठाकुर जी के लिए उसी दिन बढ़िया बढ़िया चीज ठाकुर जी के लिए बनानी चाहिए, एकादशी हमारा लिए ठाकुर जी के लिए नहीं है। क्या होता है जैसे आज पनीर का सब्जी बन रहा है, शाही पनीर पनीर सब्जी बन रहा है, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है, जितने भी बना रहे हैं किसके लिए, ठाकुर जी के लिए। लेकिन जब देख लेते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है, बोला आज बढ़िया प्रसाद बन रहा है, आज बढ़िया प्रसाद बन रहा है आज। इसलिए पहले से कहते घृणार्ध अर्ध भोजनम, एक तो घ्राण से अर्धा भोजन हो जाता है और दृष्टि से ही हमारा भोजन हो जाता है, आज बढ़िया प्रसाद बन रहा है, मतलब आज प्रसाद खाएंगे बढ़िया बढ़िया, इसलिए पहले उसके लोभ हो जाता है। लेकिन देखना एकादशी का दिन नियम है, एकादशी का दिन जो चीज एकादश में नहीं चलता, जो चीज साधारण जीवन में बनाते उसी दिन नियम है बढ़िया बढ़िया बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, पुष्पा न छना डालना है, बढ़िया बढ़िया चीज बना बना कर ठाकुर को उसी दिन भोग लगाने चले। एकादशी किसके लिए,
ठाकुर जी के लिए नहीं एकादशी, दिन अच्छा अच्छा भोजन खिलाने चाहिए। इसलिए एक दिन एक तीर्थ में भ्रमण करते करते सारा जीवन ही तीर्थ पर्यटन करते हैं, करते करते अभी महाप्रभु का क्या इच्छा है, वही वो कृष्ण बाल गोपाल को लेकर के अपना गले में है, गले में लटका करके बाल गोपाल को साथ में रखते हैं और लेकर के सर्वत्र तीर्थ में भ्रमण करते हैं। अभी कृष्ण अवतार युग में उन्होंने उनको दर्शन दिया था ब्राह्मण को है, वही कृष्ण अभी महाप्रभु बन करके आए, महाप्रभु की इच्छा है, मन में क्या इच्छा, आज इनको मैं दर्शन दूंगा, ये मेरे भक्त है जन्म जन्मांतर का भक्त। भगवान ने उसको माया को द्वारा उनको जगन्नाथ मिश्र जी को घर में लाए, जब लाए नियम क्या है, नियम है गृहस्थ हैया अतिथि सेवा नहीं करे, पशु पक्षी है ते हो अधम बलि तारी। अगर कोई गृहस्थ हो करके, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, है? गृहस्थ का कर्तव्य है अतिथियों को सेवा करे, है जथा साध्य अतिथियों को सेवा करनी चाहिए गृहस्थों का। कहते गृहस्थ होकर के अगर वो अतिथि सेवा नहीं करते हैं, कहते पशु पक्षियों से भी उसका जीवन गया बिता जीवन, उससे भी उनका जीवन निकृष्ट जीवन है। कहते अगर तुम्हारे घर में कुछ है ही नहीं, कहते भैया उनको तो एक आसन दे करके एक गिलास पानी दे सकते हो, बोले अगर वहां तक भी नहीं, कम से कम मीठी वचन बोलने पर तो कोई पैसा नहीं लगता है ना, कोई मीठी वचन बोलने के लिए तो पैसा नहीं लगता, जरूर करनी चाहिए है। इसलिए कहते महत बोलो जोर से, महत विचरणाम नृणाम गृहणाम दीन चेतसाम निश्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते कुचित है। कहते हैं साधु लोग गृहस्थ घर में क्यों जाते हैं, कारण क्या है, क्यों जाते हैं साधु लोग गृहस्थ घर में, कहते निज कार्य नहीं तब जान तार घर, उसको पहले क्या लाइन है, निज कार्य जाए तब जान है, हाँ महत स्वभाव ही तारित पामर निज कार्य नहीं तब जान तार घर। कहते महत का स्वभाव क्या है, कहते हैं महत स्वभाव ही तारित पामर, कहते पापियों को उद्धार करना उनका काम है, निज कार्य नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, तभी क्या करते हैं गृहस्थ घर में जाते हैं, है गृहस्थ घर में जाते हैं, क्यों जाते हैं गृहस्थ घर में, कुछ लेने के लिए, बोले लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, कुछ उनको देने के लिए, क्या देने के लिए, बोले जीव जाग जीव जाग, बोलो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पीता चीर खोले बाजी बाबलिया से संसार बितारे बोलिया रही ले तुम्हें आप प्यार मोरे तो मारे लई ते अभी हाइनो अवतार हम बिना बंधु बोलो के अच्छे तुम्हार। इसलिए साधु लोग जाते हैं जगाने के लिए, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबधत है दुर्गम पथस्तक कब बदती, कल भले उठो जगो, कब तक सोते रहोगे माया की नशे में, बहुत दिन सो गया। इसलिए हमें जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, इसलिए हमें भक्त लोग को जगाने के लिए हमें है जगत में आते हैं, हम जो मोह माया निद्रा में जो सोए हुए, अगर गृहस्थ व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ देते हैं साधुओं को, साधु लोग क्या करते हैं वो वस्तु को लेकर के ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, लगाने पर क्या होगा उनको सुकृति भक्ति उन्मुखी सुकृति बनता है, वही सुकृति ही उनको धीरे 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 भक्ति जगत में वही सुकृति उनको बढ़ाता है। अगर हमने कमाया सारे पैसा क्या बंद हो गया, इसलिए हमने पैसा कमाया लेकिन कमा करके हम कोई साधु गुरु वैष्णव का सेवा ही नहीं किया, खुद चट कर लिया, खुद ही भुख कर लिया, फिर उसमें सुकृत नहीं बनेगा। इसलिए नियम है घर का जो कमाई है ना उसका कुछ परसेंटेज नियम क्या है भगवान की सेवा में साधु संतों की सेवा में कुछ चीजें लगानी चाहिए। तब गुरु जी कथा सुनाते थे, कहते कि साधु गांव में जाता था भिक्षा करने के लिए हैं, कि क्यों जाते हैं, कुछ जो देते थे उसको ला कर ठाकुर सेवा में संत सेवा में लगाया करता था, लेकिन एक
बड़ी बूढ़ी थी, बड़ी कंजूसी, उसको हाथ से एक पैसा भी नहीं निकलता है। लेकिन वो साधु भी छोड़ने वाले नहीं, घर में जाते ही दारी के तेरे को शर्म नहीं लगता तो भीख मांगने का आ गया, काम करे खा नहीं सकता, रोज गाली दे। एक दिन सवेरे सवेरे पहुंच गया, बोले माता जी भिक्षा में दे, बोले तारी के सवेरे सवेरे, और घर को लिपा पोता लगा रही थी, कैसे गोबर और मिट्टी से पोता लगा रही थी, बोले सवेरे से भिक्षा ले, उठाया और मारे साधु को। साधु तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बोले अभी तक तो कुछ देता नहीं था, आज कम से कुछ तो दे दिया। उसको लेकर के मल मल करके धोई नदी में और धूप में सुखाया, बत्ती बनाए और शाम को घी में है डूबो करके ठाकुर जी को जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना आरती कराए ललित। उन्होंने श्री ठाकुर जी को दिया जलाए, जब दिया जलाए लेकिन वो बत्ती किसकी है, वो कपड़ा किसके, माता जी की। जब वो ठाकुर को सेवा में लग गया, बस बनते क्या हो गया, उसको सुकृति, उसकी सुकृति बन गई। सुकृति बनते ही अपने आप उसके हृदय अपने आप बदल गया, उसका हृदय अपने आप बदल गया। बोले भाई बाबा कितने दयालु, बड़े कृपालु हैं, मेरे कल्याण करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने तो भिक्षा दिया ही नहीं और गोबर मिट्टी से पोते हुए कपड़े मैंने फेंक करके मारे, मेरे अपराध हो गया, कल बाबा आएंगे ना माफी मांग करके जो भिक्षा दूंगी। जब बाबा रोज आते थे गाँव में, जब कोने में देखा, बोले बाबा जी आज मेरे घर में भी आए हो, बोले आज इसको क्या हो गया, रोज तो गाली देती थी है। जब घर में गए उनको बैठा करके, उनको प्यार छुए, उनको चरण धुए, आसन देकर बैठाए, कुछ उनने भिक्षा दी। इसलिए यहाँ पर कभी ये तैतिक विप्र ये क्या करते थे, तीर्थ तीर्थ में भ्रमण करते थे। एक दिन भगवत इच्छा से महाप्रभु उसको खींच करके अपना घर में लाए, बोले क्यों, बोले ये मेरे जन्म जन्मांतर का ये भक्त है, आज मैं इसको जरूर मैं दर्शन दूंगा। बोले देखो जगन्नाथ मिश्र, बोले आप कृपा करके आज घर में आए हो, आज हमारे घर में प्रसाद पाओ। पहले साधु लोग सबके घर में खाना नहीं खाते थे, किसी के घर में लोटी देते थे, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का घर में लेते थे, हैं सबके घर से भिक्षा, भिक्षा मतलब जैसे रोसोई बना हुआ चीज है, हैं सबके घर से नहीं लेते थे। नियम है ब्राह्मण पकाने पर वो वस्तु पवित्र होता है, नहीं तो पवित्र नहीं होता है वो वस्तु है। इसलिए पहले जैसे गांव गांव भी जाते हैं ना बंगाल में, हमारे जो प्रचार करने के लिए हाड़ी कलसी सब साथ में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो बर्तन है सब मछली मांस सब बनाते हैं, उसमें बना करके भोजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए साथ में ले जाते हैं। और वहाँ के लोग मछली मांस खाने वाले, इसलिए उनका हाथ का बनाया हुआ चीज भी नहीं खा सकते, इसलिए खुद बनाते हैं, खुद प्रसाद पाते हैं। हाड़ी कलसी सर पर लेकर एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे से तीसरे गांव ले जाते हैं, हैं केवल भक्तों का घर में ही प्रसाद पाते हैं। इसलिए लेकिन वो ब्राह्मण का क्या नियम था, कभी वो सोपाकी थे, हैं खुद स्वयं बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद लेते थे, हैं वो सोपाकी है। यद्यपि वो जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण है ब्राह्मण है, तब भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं खुद बना करके, कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर कहीं दूषित अन्न अगर हमने खा लिया ना, क्या होगा देखना, मन अपने आप दूषित हो जाएगा, अपने आप मन तुम्हारे शरीर में, अगर किसी उल्टा सीधा घर में भोजन कर लिया ना, देखना उसको भोजन करने पर उसी दिन तुम्हारे हृदय में विकार आने लग जाएगा, गंदी गंदी भावना अपने आप आने लग जाएगी, अपने आप हृदय तुम्हारी कलुषित हो जाएगी। अगर किसी दुष्ट घर का, नहीं तो कोई दुष्ट से कमाया हुआ कोई चीज को अगर खा लिया ना, विषय अर्ण खाइले मलिन है मन, हर मलिन है ले मन ना है कृष्ण भजन। दुष्ट व्यक्तियों का अर्ण से मन मलिन हो जाता है और उसको मलिन होने से फिर भगवत स्मरण नहीं होता। इसलिए हमारे जो पहले पहले का जो साधु लोग है ना, बहुत स्ट्रिक थे, खुद बना करके खुद खाएंगे, दूसरों का हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हैं दूसरे का बिस्तरा में लेटेंगे नहीं, दूसरा बिस्तरा में लेट नहीं, नहीं। पहले जो हमारे लोग जाते थे प्रचार के लिए अपना बिस्तर ले जाते थे, अपना बिस्तर ले जाते हैं, सबका बिस्तर में नहीं सोते हैं, जब सोते थे अपना बिस्तर के ऊपर सोते थे, हैं अपना बिस्तर में सोते थे, अपना व्यवहार किसकी थाली में नहीं खाते थे, अपना थाली लेते थे, अपना थाली में ही भोजन करते थे, हैं ये भी सब नियम है। इसलिए है अगर जितने शुद्धता को पालन करेंगे ना,
फिर देखना उतना हमारा मन उतना पवित्र रहेगा। जितने अशुद्धता को करेंगे हैं, तेरा मन में उतना अशुद्धता की भावना मन में आएगी, उतना गंदी गंदी भावना आएगी। इसलिए पहले पहले साधु लोग बड़े सावधान खान पान बड़े विचार से करते थे, तभी उनकी भक्ति बढ़ती थी, भक्ति उनकी बढ़ती थी। इसलिए क्या करने चाहिए, हरिनाम भजन साधन ठीक से करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो हमें देते हैं ना, जैसे हम लोग खाते हैं परार्ण भोजन करते हैं, दूसरे का कमाई हुआ चीज, अगर उसको भोजन करेंगे, अगर भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, हमारी जो थोड़ी बहुत सुकृति वही ले लेगा, जो थोड़ी बहुत सुकृति उसने, वही व्यक्ति हमारी सुकृति ले लेगा, फिर तुमको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए गुरु जी कहते थे इतना हरिनाम करो, जो जिसका चीज तुम लेते हो वो तो कुछ ले जाएगा, अपने आप ले जाएगा, कुछ चीज को देने का जरूरत नहीं, अपने आप तुम्हारी कुछ परसेंटेज उसको पास में चली जाएगी। इतना हरिनाम करो उसको दे करके, जैसे तुम्हारे पास में कुछ बच्चे, जैसे तुमने 10 रुपया कमाएगी, अगर 5 रुपया खर्चा करोगे तो 5 रुपया बचेगा ना, कमाया क्या 10 रुपया और 20 रुपया, तुम्हारे पास में क्या रहा, कुछ रहा ही नहीं, तुम्हारे पास में कुछ रहा ही नहीं। इसलिए उतना भजन साधन करनी चाहिए, जैसे हम क्या होगा अपना भजन विषय जितना खा रहे हैं उनको जैसे कुछ जाए और तुम्हारे पास में कुछ ब्याले से कुछ तुम्हारे पास में रहे, ठीक है कि नहीं। इसलिए उतना भजन करनी चाहिए। अगर दिन भर अगर स्मार्टफोन लेकर बैठ गए फिर क्या होगा बताओ, अगर हमारे स्मार्टफोन अगर हम दिन भर उसमें हमारे देख रहे हैं फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद में फिर हमारी भक्ति से क्यों छुट्टी हो जाती है, भक्ति में आए भजन करने के लिए आए मंदिर में, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारी भक्ति क्यों छूट गया, फिर तुम्हारा भक्त बढ़नी चाहिए ना, छूटेगा क्यों, कुछ सुकृति था तभी तो आए, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर विदाई क्यों फिर हो जाता है मंदिर से। कारण है हमने जितने कमाया है ना जाता हमने खा लिया, जितने कमाया हमने जितना जाता तुमने खर्चा कर लिया, इसलिए तुम्हारा बैलेंस है वो कम हो गया है, बैलेंस तुम्हारी कम हो गया, इसलिए क्या हुआ, हो गया घर से छुट्टी है, यहाँ से छुट्टी। इसलिए मंदिर का आना है ना हजमाना बड़ा कठिन है, हजमाना बड़ा कठिन है। इसलिए क्या करनी चाहिए, हरि नाम कीर्तन वैष्णव का सेवा भजन हमें, इसलिए कहते ना साधु साधु हाँ, साधु को क्यों कर रहे सावधान करने के लिए, साधु को ही ज्यादा सावधान, साधुओं को ज्यादा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति कमा कर तो खा रहे हैं लेकिन हम लोग कमा करके नहीं खा रहे, ठीक है ना। इसलिए कभी भी समय को हमें गंदी चीज बर्बाद में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी फिर ये अर्ना हजम नहीं होगा, फिर ये अर्ना हजम नहीं होगा। इसलिए क्या करो साधु सावधान, और फिर कहीं करो अवधान, फिर सुनो अवधान मतलब ध्यान से सुनो साधुओं को। इसलिए कहते वो सोपा की होते थे अपना हाथ में बनाएंगे और अपना हाथ में बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भोग लगा कर उसको ग्रहण करके फिर क्या, वो बड़ा शुद्ध चीज है, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं। इसलिए वो ऐसे करते थे, बोले षडाक्षर गोपाल मंत्र करे उपासना, गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भोजन। इसलिए कहते भगवान को भोग लगाए बगैर कोई चीज को ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए बोले निरवधि मुख विप्र कृष्ण कृष्ण बोले अंतरे गोविंद रसे दुई चखुडोले। कहते उनका भजन पद्धति बता रहे हैं, उनका भजन कैसे था, कैसे था, बोले निरवधि मुख विप्र कृष्ण कृष्ण बोले हर समय है, जैसे काल बिन बोले क्या नाम बिना जन भाई काल नहीं जाए है, कह रहे हैं भैया भगवान के नाम के बगैर जैसे काल हमारी कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। हर समय में जो एक एक जो श्वास निकल रहा है, एक एक जो श्वास हमारे निकल रहा है, हैं कहती है कोई न हीरे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक संत कह रहे थे, जैसे मानो टाटा बिरला जैसे अरब खरबपति, इनका अंतिम श्वास, श्वास इनकी खत्म होने वाले, डॉक्टर ने बोल दिया ये इनका अंतिम श्वास, अगर कोई बोले भैया इनका 4 श्वास वापस ले आओ, आपका हम 4 कोहिनूर हीरे दे रहे हैं, क्या 4 कोहिनूर हीरे से 4 श्वास वापस ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। बोले ये मानव शरीर का इतने दुर्लभता,
कदी ये श्वास श्वास की सार्थकता किसी में, जब हमारे श्वास श्वास से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हरि नामा आश्रय कर जतन तुम्हें था कहो अपन गाज। इसलिए भगवान का नाम को आश्रय करते हुए अपना सेवा करो, हाथों में हर समय मुंह में उड़ते बैठते चलते फिरते क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्ण नाम करते बोले अंतरे गोविंद रसे दुई चकु डोले, हर समय भगवान की प्रेम रस में, जैसे उनका आंख है ना हर समय गिली है, हर समय गिली क्यों, कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं हर समय, इस कृष्ण प्रेम में शराब, और इसलिए दुई चकु डुले हर समय इनका आंख क्या कर रही है, कृष्ण प्रेम में हर समय भीगा हुआ है इनका ये साधन भजन। फिर कल कैसे ठाकुर जी दर्शन दिए, फिर कल हम ये कथा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण कर दो, हरे कृष्ण। कल हम लोग जो कथा करेंगे, हाँ जो देख रहे हैं सब सुन लो, कल 7:30 से लेकर के हम लोग 8:30 बजे तक हम कथा करेंगे, 8:30 बजे तक कथा करेंगे। अब कितना हो गया, हाँ कल जल्दी कथा करेंगे, हम लोग जो दर्शन कर रहे हो कल जल्दी जल्दी आ जाना, जल्दी जल्दी सुन जाए, ठीक है। मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि सब लोगों को सवेरे उठना पड़ता है ना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 लीला प्रवेश भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय, लीला प्रवेश भक्ति
वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री लाल कृष्ण भक्त वेदांत पावन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सबरी कर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि। जाओ जाओ तुम लोग, जाओ फटाफट प्रसाद जाओ, भागते हो जाओ।